من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين امام مهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف کے موضوع کی مناسبت سے अलकाफ़ी में मौजूद रिवायात और उसकी शरह को ज़िक्र किया जा रहा था। अलकाफ़ी में बाबुन फ़िल ग़ैबा की हदीस नंबर 19 हमने गुज़िश्ता दर्स में मुलाहिज़ा की और आज इंशाल्लाह उसकी हम क़दर मुफ़स्सल शरह को मुलाहिज़ा करेंगे। हदीस नंबर 19 मुख्तसर सी हदीस है और उसमें चार रावी हैं, क्योंकि शेख मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी ग़ैबत सुग़रा के ख़ुद मुहद्दिस बनते हैं, इसलिए चार वासितों से इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से रवायत को नकल करते हैं और इस रवायत को उलमाए तशय्यो में तमाम बुज़ुर्गान ने सही सनद करार दिया। हत्ता अल्लामा मलसी रहमतुल्लाह ने मिरातुल उक़ूल में जो अलकाफ़ी की शरह है किताबुल मिरात में, उन्होंने इसको समवसक यानी मोतबर करार दिया है। रिवायत में हमने गुज़िश्ता दर्स में रावियों के मुख्तसर से हालात रिजाल की किताबों के ज़िम्न में देखे थे कि मोहम्मद बिन याहिया अल अत्तार हैं, बहुत अजीम और बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, अपने दौर में तशय्यो के सरबराहान में से शुमार होते थे। वो नकल करते हैं मोहम्मद बिन हुसैन से और मोहम्मद बिन हुसैन सिका हैं और इनको अल्लामा मलसी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इनकी वसाकत को कबूल किया है। रिजाल नज्जाशी में रकम नंबर 898 में इनके लिए ज़िक्र किया गया मोहम्मद बिन हुसैन अबिल ख़त्ताब जलीलुन मिन असहाबिना, कि हमारे असहाब में बहुत जलीलुल क़द्र हैं, अज़ीमुल क़द्र कसीरु रिवाया। वो नकल करते हैं इब्ने महबूब से, हसन बिन महमूद सर्राद कूफ़ी हैं, सिका हैं, तूसी ने इनकी रिजाल तूसी में इनकी वसाकत को बयान किया है। वो आगे से नकल करते हैं इसहाक बिन अम्मार से, इसहाक बिन अम्मार इमाम सादिक व इमाम काजिम अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं और इनकी तौसीक नज्जाशी ने अपनी किताब में की है रकम नंबर 169 में और इनको शेख उन बिन असहाबिन और सिकातुन करार दिया है। इसहाक बिन अम्मार कहते हैं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिल क़ाइम ग़ैबतान, क़ाइम के लिए दो ग़ैबतें हैं, इहदाहुमा क़सीरतुन, एक ग़ैबत मुख्तसर दौर की है, मुद्दत की है, वलुख़रा तवीलतुन, और दूसरी तवील है। अल ग़ैबतुल ऊला ला यअलमु बिमकानिही फ़ीहा इल्ला ख़ासतु शीअतिही, पहली ग़ैबत में उनके जगह के बारे में किसी को इल्म नहीं होगा सवाए उनके शियों में जो ख़ास हैं। हम इन ख़ास शियों के बारे में इंशाल्लाह ताला तफसील से पढ़ेंगे, क्योंकि बाज़ रवायात ही हैं कि जिनमें सुफरा वकला का तस्करा मौजूद है और ये हमारे पास एक बेहतरीन फ़ुर्सत है कि यहाँ पे हम ग़ैबत सुग़रा में जो ख़ास शिया हैं उनकी फहरिस्त को एक हद तक जान लें। वलुख़रा ला यअलमु बिमकानिही फ़ीहा इल्ला ख़ासतु मवाली है, और जो दूसरी ग़ैबत है उसमें कोई उनकी जगह को नहीं जानता सवाए उनके ख़ास मवाली हज़रात के। ख़ासतु शीअतिही से क्या मुराद हैं? अल्लामा मलसी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ासतु शीअतिही से मुराद बाज़ वकला लिया है, लिहाजा वह मिरातुल उक़ूल में तहरीर करते हैं कि ख़ासत मवाली से मुराद है उनकी खिदमत करने वाले या उनकी अहलो आयाल या वो 30 बंदे जो उनके साथ मौजूद होते हैं जिनका तस्करा पीछे गुजर चुका है। और ग़ैबत सुग़रा में जो बाज़ ख़वास शिया हैं मुत्तलईन अला मकानिही, जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मकान को जानते हैं, वो कौन है? कस्सुफ़रा व बाज़ल वकला, वो बाज़ सफ़ीर हैं और बाज़ वकला हैं। फिर आगे ज़िक्र करते हैं कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की दो ग़ैबतें हैं।
फिर दो गैबतों के ज़ैल में उन्होंने नवाब का तذکرہ किया है। यहाँ पर हम ज़रा तवक्कुफ़ करते हुए ये देखते हैं कि नायबीन से क्या मुराद है, क्योंकि हमारे उलमा ने वाज़ तौर पर लिखा है कि ख़ासत व शियात ही से मुराद इमाम महदी अलैहिस्सलाम के नवाब हैं या उनके नायबीन हैं, ख़ुसूसी नायबीन। अमूमन ये इस्तलाह नायब की इस्तलाह हमारे यहाँ बहुत राइज नहीं है, और आस्ता आस्ता रवायात के ज़िम्न में ये एक इस्तलाह बन गई, आस्ता आस्ता ये इस्तलाह बन गई। चंद कलिमात हमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम के दौर में जो बुज़ुर्गान तशय्यो हैं उनमें बाज़ अल्फाज हमें दिखाई देते हैं। पहला कलिमा है सुफारा, सफ़ीर की जमा है। पहला कलिमा है सुफारा जो कि सफ़ीर की जमा है। दूसरा कलिमा हमें दिखाई देता है तहरीरों में वकील, जिसकी जमा है वकाला। तीसरा कलिमा हमारे पास आ जाता है नायब, जिसकी जमा है नवाब। नायब जिसकी जमा नवाब। इन तीन कलिमात को खसूसी नोट करें, क्योंकि अभी हम इसमें मुलाहिज़ा करेंगे आया तीनों में फ़र्क है या एक ही चीज़ है। और बाज़ इसके ज़िम्न में दीगर भी ऐसे उमूर आते हैं कि जिनसे जलीलुल क़द्र शख्सियात की अज़मत का पता लगता है, जैसे इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए कातिब का होना, कातिब व साहिबिल अम्र। बस कातिब होना, कातिब व साहिबिल अम्र वारिद हुआ है कुतुब में, लफ्ज़ कातिब हुआ। आए अब हम देखते हैं कि आया इनमें फ़र्क है या नहीं। पहले तो हम इन कलिमात के माना देख लें। सफ़ीर किसे कहते हैं? सफ़रा लुगत में आश्कार और रोशन होने को कहते हैं, इसलिए सुबह को भी सफ़रा कहते हैं। सफ़रा सुबह यानी रोशन हुआ, दिन रोशन हुआ। इसी तरीके से एक चीज़ से पर्दा हटाने को भी सफ़र से सीन फा रा से ताबीर किया जाता है। मसलन अगर खातून अपना निकाब हटाए तो कहा जाता है असफ़रत, कि उसने अपना निकाब हटाए यानी चेहरे को उसने वाज़ कर दिया। तो ये कलिमा सीन फेरे इस्तेमाल अरबी में रोशन करने के माना में आता है। सफ़ारतुन इसी से कलिमा है, और ये सफ़ारा व आज की इस्तलाह में भी सफ़ारत खानों के माना में भी अरबी से ही आया है, फ़ारसी में और उर्दू में, क्योंकि सफ़ारत खाना एक मुल्क या एक जो मनसबदार है उसकी बात को रोशन और आश्कार करता है, या अपने मुल्क का तकाजे को आश्कार करता है, इसलिए इसे सफ़ारत से ताबीर किया जाता है। क्योंकि सफ़ारत खाने में रसाइल हैं, खतूत हैं, पैगामात हैं, या लोगों की इस्लाह के लिए दीगर उमूर हैं जो कि इदारा अंजाम देता है। चूँकि वो इस्लाह को रोशन करता है, वाज़े करता है, इसलिए इसे सफ़ारत से ताबीर किया जाता है। इसी से ये कलिमा इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ, हत्ता कि सफ़ीर और रसूल मुतरादिफ कलिमात इस्तेमाल होने लगे, लेकिन रसूल का कलिमा इस तरह वारिद नहीं हुआ। सफ़ीर का कलिमा वाज़े तौर पर वारिद हुआ है, सफ़ीर है, सफ़ारा है और सफ़ारा है। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के साथ बाज़ ऐसे अफराद ताल्लुक़ रखते थे, क्योंकि इब्तदाई गैबत सुग़रा थी और उसमें लोगों के दरमियान एक राबिता मौजूद था इमाम अलैहिस्सलाम के साथ, अलबत्त वास्ते के ज़रिए से। ये वास्ते को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने ख़ुद मुकर्रर किया था, या उनसे पहले आइमा इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर किया था, और लोग शिया जो उलमा और उस वक्त की बड़ी शख्सियात थीं वो इसी बुलंद तरीन शख्सियत जिसे हम सफ़ीर कहते हैं इससे ताल्लुक़ कायम करके इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से एक इस्तफादा करते। मसलन ख़तो किताबत होती, सवाल जवाब होते, चूँकि ये सफ़ीर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तरफ से पैगाम को रोशन करते और इमाम के लिए लोगों के तकाजे को सामने बयान करते, इसलिए इनके लिए कलिमा सफ़ीर बयान किया गया है। बस आपने कलिमा सफ़ीर देखा कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जो वास्ता था दरमियान में, लोगों के दरमियान, उम्मत के दरमियान और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के दरमियान, तो उनके लिए यह कलिमा सफ़ीर इस्तेमाल किया गया। दूसरा कलिमा आ जाता है सफ़ीर ही के मुतबादिल कलिमा है नियाबतुन, सफ़ारतुन व नियाबतुन। नियाबा से सफ़ारतुन से सफ़ीर और सफ़रा है,
नियाबतुन से नायब और नवाब है। नियाबतुन के बारे में लुगत ने जो लिखा है, हमारे पास कामूसुल मुहीत है या दीगर कुतुब मौजूद हैं, मजमूल बाहराइन या इस तरह लुगत की मुताखिर और कदीम किताबें, हर दो की तरफ अगर आप मुराजिया करें तो जो माना इस्तेमाल की सूरत में आता है वो है कि कामा मकामी, जो मकाम के ऊपर आपके कायम मुकाम हो उसे क्या कहते हैं, नाइब। उर्दू में ये कलिमा इस्तेमाल, मसल नायब वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म से क्या मुराद है, जो असल वज़ीर आज़म है, असल वज़ीर आज़म उसकी जगह पर जो वज़ीर आज़म के तमाम उमूर को अंजाम देगा उसे कहते हैं नायब वज़ीर आज़म। बस नायब वज़ीर आज़म एक इस्तिलाह बन गई और पाकिस्तान में इस्तेमाल भी ये एक हद तक होती है कि वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी जिन उमूर को अंजाम देनी थी उन उमूर को उनके अलावा कोई और शख्स उन्हीं की नियाबत में अंजाम दे रहा है। यहाँ से ये कलेमा इस्तेमाल होने लग गया सुफरा के लिए, जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के और उम्मत के दरमियान वासिता थे गैबत सुगरा में, जिन्हें ख़ुद मुकर्रर किया कि अभी इंशाल्लाह उसका थोड़ा सा तस्करा आपके सामने आएगा, उनके लिए कलेमा नियाबत इस्तेमाल हो नायब इस्तेमाल होने लगा। यानी इसका क्या मतलब है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने जो लोगों को सवाल जवाब देना होते थे या दीन के लिए जो लोगों ने इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू करना है, अब दीन के हुसूल के लिए और दीन की मालूमात के लिए इमाम महदी अलैहिस्सलाम से पहले एक और शख्स है कि जो इमाम की जानिब से इन उमूर को अंजाम दे रहा है, मसलन रहनुमाई के अमर को, हिदायत के अमर को, लोगों के अंदर इस्लाह के अमर को, सवाल जवाब लोगों के देना, लोगों की अमानात उन तक पहुंचाना, खुम्स वगैरह को वसूल करना, ये जो नियाबत में इमाम महदी अलैहिस्सलाम के शख्स अंजाम दे रहा है या उनके कायम मकाम एक शख्स उम्मत के दरमियान मौजूद है और उसकी तरफ उम्मत रुजू कर रही है, इसको नायब करार दिया। बस सफ़ीर किस इनवान से हमने कहा कि वो लोगों के पैगाम को इमाम के सामने और इमाम के पैगाम को लोगों के सामने चूँकि ज़ाहिर करता था, रोशन करना, जाहिर करने को कहते हैं सफारा या पहुंचाने, एक खत दूसरी जगह तक पहुंचाना, एक पैगाम दूसरी जगह तक पहुंचाना, इस एतबार से सफ़ीर। लेकिन जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तरफ से बुनियादी उमूर थे इमामत से मुतालिक, उन इमामत से मुतालिक उमूर को अंजाम देने के लिए एक फ़र्द को इमाम ने मुकर्रर किया, और लोग दीन लेने के लिए, दीन में हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, अमानात की अदायगी के लिए जिस तरफ रुजू कर रहे हैं वो नायब है। यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तरफ हकीकत में रुजू करना चाहिए, लेकिन ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम की गैबत में उनके कायम मकाम, उनकी जगह के ऊपर मौजूद हैं और लोगों के दरमियान फिर उन उमूर को अंजाम दे रहा है कि जो उमूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से वाबस्ता हैं। यकीनन ये बहुत बड़ी बात होगी, ये छोटा अमर नहीं है, इमामत एक छोटा अमर नहीं है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने जिन उमूर को अंजाम देना है, इमाम अलैहिस्सलाम उन उमूर की अंजामदही के लिए एक शख्स को मुकर्रर करते हैं जो उनके कायम मकाम बन के इस अमर को अंजाम देता है, वो कायम मकाम का क्या फिर नाम पड़ गया, नायब, नायब की जमा नवाब, इसलिए या नवाब जो है वो नायब की जमा है। इसलिए बाज़ ने नायब का माना तफवीज़ और तौकील भी किया है, तफवीज़ यानी सुपुर्द करना, उमूर का सुपुर्द करके अंजामदही के लिए उसे मुकर्रर करना, उमूर सुपुर्द किए और इन उमूर को अंजामदही का उससे तकाजा करना कि तुम मेरी जगह पे ये अंजाम दो, इसे कहते हैं तफवीज़ दे देना। यहाँ से बाज़ जगहों पे कलेमा अबवाब भी आया है, कलेमा बाब, नायब की जगह क्या आया है, बाब। कलेमा बाब बहुत अहम कलेमा है, हमारे पास जो कदीमी कुतुब हैं उसमें हर इमाम का एक बाब होता था, आप उसे अपने तौर पे दरबान तर्जमा बाज़ुकात कर देते हैं, दरबान होता है गार्ड के माना में, जो गार्ड खड़ा होता है बाहर, लेकिन बाब इससे जुदा है, बाब नायब के माना में या सफ़ीर के माना में आता है, यानी वही माना जो सफ़ीर अदा कर रहा है
और वही माना कि जो नाए बता कर रहा है वो क्या कलेमा है, बाब। इन कलिमात के फहम का हमें अहम फ़ायदा ये होता है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से जो कदीमी मुतालिक लिटरेचर है आप उसमें अहम शख्सियात को जान सकते हैं। और फिर इल्म रिजाल में ये बहस आती है किसी शख्स का सफ़ीर होना, नायब होना, बाब होना, आया ये उसकी वसाकत पर दलालत करता है या नहीं। तो बिला शक व शुबा ये उसकी वसाकत के ऊपर दलालत करता है। कलमे बाब इसको बड़े आसानी से आपको इसका माना दिखाई नहीं देगा, आपको ये पता लगेगा कि इमाम नकी अलैहिस्सलाम के मसे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बाप थे मुफज़ल बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो। नबी सल्लल्लाहु असल एक बास कुतुब हैं हमारी कदीमी किताबें हैं यानी चौथी पाँचवीं सदी हिजरी की किताबें हैं, उनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम से लेके तमाम मासूमीन तक इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तक तमाम बुवाब, बुवाब जमा है बाप की, उनका तस्करा मौजूद है। मसलन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप कौन थे, इमाम अली अलैहिस्सलाम। इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाप कौन थे, मुमकिन है कि कहा जा सके बिलफर्ज जनाब अम्मार या इसी तरह से अबू राफे, या नाम उसमें हैं अभी बिज़्ज़ब्त सब आइमा के जहन में नहीं हैं, लेकिन ये जहन में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप थे अमीरुल मोमिनीन यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर रिसालत व नबूवत व हाकिम होने के जो उमूर हैं हसास उमूर या उम्मत की हिदायत से मरबूत उमूर, अगर रसूलुल्लाह ना हो तो उनके कायम मकाम इमाम अली अलैहिस्सलाम उन उमूर को अंजाम देते थे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने तौर पे बाप बनाया जनाब मुफज़ल बिन उमर को, वो मुख्तलिफ इलाक़ों में उनको भेजते, शियों के दरमियान वो मारूफ शख्सियत थी मुफज़ल बिन उमर, और वो इमाम की तरफ से लोगों को पैगाम पहुँचाते और इमाम के पास लोगों का पैगाम लेके हाजिर होते। इसी तरीके से इमाम नकी अलैहिस्सलाम के बाप थे उस्मान बिन सईद अमरी, कि आज उनके हालात ज़िंदगी पढ़ने का इरादा है कि उनकी शख्सियत को हम जानें, लेकिन ये अब उस्मान बिन सईद अमरी क्या हैं कि वो इमाम नकी अलैहिस्सलाम उनसे तालीमात लेंगे, उनसे रहनुमाई लेंगे, और इमाम नकी अलैहिस्सलाम ने लोगों के दरमियान बड़े बड़े उस दौर के मसलन आप समझ लें उलमा और मुज्तहिदीन के दरमियान उस्मान बिन सईद को कहा कि इससे दीन लिया करो, ये मेरा काबिल एतमाद है, ये मेरी तरफ से जो कह दे वो दीन है, उसे बात इनवाने दीन ले लो। अब ये कोई छोटा मनसब नहीं है यानी हिदायत देने का मनसब, ये कोई छोटा मनसब नहीं है, उसकी हसासियत से हमें वाकिफ़ होना चाहिए। इसी तरीके से इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम के बाप वो भी उस्मान बिन सईद अमरी थे, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बाप वो भी उस्मान बिन सईद अमरी थे। बस आपने मुलाहिज़ा किया इधर कि बाब इसकी जमा बुवाब और अबवाब भी आती है, ये सफ़ीर ही के माना को बयान करता है। और चौथा कलेमा हमारे पास है कलेमाए वकील, कलेमाए वकील। ये अगर हमें कलेमात सही मालूम ना हो तो मुमकिन है कि ये वाले चैप्टर्स हमें अहादीस में सही पढ़े ना जाएं। क्या आ रहा है कि उस्मान बिन सईद बाब थे या रिजाल की किताब में आपने देख लिया, तारीख़ की किताब में देख लिया, इंसान समझता है कि शायद बाब, बाब वैसे दरवाज़े को कहते हैं जो दरवाज़े पे खड़ा हो तो वो दरबान कहलाता है, तो इसलिए उर्दू में बाज़ ने बाब का तर्जमा दरबान भी किया है। लेकिन बाब का जो तर्जमा है वो मसलन एहतजाज तबरसी में बाज़ ऐसे हमारे पास जिल्द नंबर 2 में सफ़ा 554 में बाप से मुराद सफ़ीर को ज़िक्र किया गया है। खुलासे कलाम, दरबान अगर मौजूद हो वो भी इमाम की तरफ से उनकी नियाबत में उमूर को अंजाम, मसा ख़रीदारी करके लेके आएगा, किसी तक पैगाम पहुंचा के लेके आएगा, किसी का पैगाम इमाम तक पहुंचाएगा, तो चूंकि इमाम की जगह पे उमूर को अंजाम दे रहा है इस वजह से इसको बाप कहा गया या नायब भी कह सकते हैं। आखिरी हमारे पास इस्तलाह है वकील की, वकील की इस्तलाह आज भी हमारे पास चलती है। मसलन आपने पाकिस्तान की अगर ज़ुबान में आप देखें, क्योंकि उन्होंने इसे अदालतों से मरबूत करार दे दिया, वाला वकला वकालत इल्म फ़िक़्ह की निगाह में एक अमूमी मामला को कहते हैं कि जो आप
मुख्तलिफ उमूर में अंजाम दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये कलिमा अदालतों के लिए इस्तेमाल होता है। आप अदालत से ही इसकी लफ्ज़ को समझ सकते हैं। अदालतों में वकील से क्या मुराद है? वकील यानी एक ऐसा शख्स कि आपने अपना मुकदमा खुद लड़ना है, जज को आपने सारे के सारे सबूत पेश करने हैं, आपने सारे के सारे पेपर फराहम करने हैं, आपने मुजरिम जो है उसके बरखिलाफ़ जो हैं तमाम इकदाम करने हैं, लेकिन आप अपने इन तमाम उमूर की अंजाम दही के लिए एक बंदे को हायर कर लेते हैं, यानी उजरत के ऊपर उसे आप हायर करते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे इतने पैसे ले लो और मेरी जगह पे ये वाले उमूर अंजाम दो, वो इसे कबूल कर लेता है। तो वो आपके उमूर का क्या बनाएगा, बन जाएगा वकील। लिहाजा वकील में या वकालत में होता यह है कि वो उमूर के जिसने वकील बनाया है उसने अंजाम देने थे, लेकिन वो अपने उमूर की अंजाम दही के लिए किसी बंदे के सुपुर्द करता है उमूर को, और उसको सुपुर्द करने के बाद इख्तियार देता है कि तुम मेरी जानिब से इस अमल को अंजाम दे दो। ये वकील आज भी हमारे यहाँ दीनी इस्तलाह में चलता है, यानी हमारे यहाँ जो नायब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम नायब उमूमी हैं उनके वकला होते हैं, वो मखसूस शोबे में या मखसूस हद तक वकालत को लेते हैं या मुमकिन है कि उसकी हदूद को वो वसत भी दे दें। बहरहाल वकील का कलिमा आप समझ गए कि वकील का कलिमा भी करीब करीब है सफ़ीर के, नायब के। इसलिए अब हमने जब इन चार माना को समझ लिया, वकील का आप माना इल्म फ़िक्र में भी तफसीली तौर पे देख सकते हैं और उससे आपको पता लग जाएगा कि वकील ख़ुद किसे कहते हैं। यानी एक होता है मुवक्किल, जो कि वकील बनाने वाला है, और वकील जिस अमर का बनाया गया है उसमें मसलन मुवक्किल बही कि जिसके ज़रिए से उसे वकील करार दिया गया है, जिन उमूर में उसे वकील करार दिया गया है, या मुवक्किलुन अलैह जिसके ऊपर उसे वकील करार दिया गया है, और जिसे वकील बनाया जाता है वो वकील ही कहलाता है। इनके दरमियान जो बाहमी मामला है इस रब्त को कहते हैं वकालत। जैसे नायब और जिसकी तरफ से वो नायब बन रहा है उनके दरमियान रब्ते को कहते हैं नियाबत। सफ़ीर और जिसकी तरफ से सफ़ीर वो बन रहा है उसके दरमियान रब्ते को कहते हैं सफारत। नियाबत है, सफारत है, इसी तरीके से इधर है वकालत। वकालत यानी अपने उमूर किसी के आपने सुपुर्द किए, उसके इख्तियार में दिए, उसको इख्तियार दिया कि तुम मेरी जानिब से इसे अंजाम दो। दुनिया भर में बैंकों में ये होता है कि वकील के साइन खसूसी होते हैं। मुमकिन है एक बंदा हर दफ़ा चेक बुक लेके ना जा सके तो वो अपने साइन के लिए एक बंदे को वकील बना देता है और उसके फिर बताता है इसके इतने इख्तियारात हैं, ये है शख्सियत, सारे उसके कवायफ देता है, वो फिर उस बंदे की जगह पे वहाँ जाके मसलन साइन करता है और वह मुआहदा कबूल होता है, उसने अब उसको इसकी इजाज़त दी हुई है। ये कलिमात के इस्तेमाल देखें, हमारे पास जो मुताखिर दौर है यानी शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह, शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में कलिमा सुफारा ज़्यादा इस्तेमाल होता था। शेख तूसी जी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में सुफारा कलिमा इस्तेमाल होता था। ये कलिमा रवायात में दिखाई नहीं देता, सफ़ीर का कलिमा, यानी इन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम और उम्मत के दरमियान जो राबित शख्सियत थी उसके लिए कलमा सफ़ीर रवायात में नहीं है, लेकिन शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ये कलमा हमें दिखाई देता है। उनकी किताब अलग़ैबा है कि आज उसी से कुछ हिस्सा आपकी खिदमत में पढ़ना मकसूद था और उसमें उन्होंने इस बात को ज़िक्र भी किया है। ग़ैबत तूसी बहुत अहम किताबों में से बाज़ इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो किसी और किताब में हमें नहीं मिलती, ख़ुसूसन यही चैप्टर। ये चैप्टर ना अलकाफ़ी में है सुफारा और वकला का, ना कमालुद्दीन में मौजूद है, ना ग़ैबत नौमानी में मौजूद है, फ़क़त शेख तूसी की अलग़ैबा को ये खसूसियत हासिल है। इसलिए वो इस चैप्टर में उन्होंने पूरी एक फ़सल कायम की है और उस फसल में उस फसल का नाम ही वकलाए आइमा अलैहुम सलाम से ताबीर किया गया है। उसकी पहली लाइन में लिखते हैं फिज़िक्र तरफ इन मिन अखबार सुफारा, कहते हैं कि ये जो सुफारा हैं अल्लज़ीन कानू फ़ी हालिल ग़ैबा, ग़ैबत के आलम में जो सफ़ीर थे उनके तस्करे के लिए हमने यहाँ पे इस चैप्टर को या इस फसल को कायम किया है।
फिर उन्होंने कबल इसके कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वकला को ज़िक्र करते, उन्होंने पहले आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम के बकिया आइमा के वकला को ज़िक्र किया है और फिर उसकी एक तफसील बयान की है, जो ममदूहीन हैं उनका तस्करा किया, जो मज़मूमीन हैं उनका तस्करा किया। बहरहाल अभी मकसूद ये था कि चार कलिमात हमने पढ़े, पहला है सफ़ीर, दूसरा है नाइब, तीसरा है बाब और चौथा है वकील। लेकिन आए ये चारों कलिमात रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम से पास आए हैं तो ऐसा नहीं है। जो हमारे पास दौर था ग़ैबत कुबरा में का आगाज़ आप कह लें, उसमें यानी मुताखिर दौर इसे हम कह सकते हैं, शेख तूसी रहमतुल्लाह उन्होंने कलमाए सुफारा इस्तेमाल किया। अच्छा, इसी तरीके से आज के दौर में, मुआसिर दौर में भी कलमाए सुफारा इस्तेमाल होता है, चूँकि शेख तूसी की किताबें हौज़े इल्मिया में राइज हुई, ग़ैबत तूसी ने एक अपनी मंजिलत हासिल कर ली और उसकी तरफ लोगों का, उलमा का रुजू ज़्यादा है, इसलिए यह कलमा आज के दौर में भी राइज हो गया। दूसरा हमारे पास कलिमा आ जाता है नाइब। ये कलिमा भी हमें किताबों में मुताखिब कुदमा के दौर में भी मिल जाता है, लेकिन बिलखसूस आज के दौर में ये इस्तिलाह ज़्यादा राइज हुई, ये हमें कदीम दौर में इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। हमें खसूसी तौर पे ये कब नज़र आती है, ये हमें मुआसिर दौर में नाइब की इस्तिलाह नज़र आती है। हाँ, आपको वैसे किताबों में चीदा चीदा मिल जाएगा, लेकिन जो गलबे की सूरत में, जैसे नवाब अरबा की इस्तलाह, नाइबीन खासा, नाइबीन आमा, आप अगर इस एतबार से देखना चाहें तो ये मौजूदा 150-200 साल हुए हैं, इसने खूब रवाज पा लिया। यानी मुमकिन है आज के दौर में कलमे सफ़ीर वो अहले इल्म तो समझ जाएं, लेकिन आम आमतुन्नास नहीं समझ सकेगी, लेकिन कलमे नाइब वो सारे के सारे समझते हैं। बस ये दूसरे कलमे का इस्तेमाल सामने आया, कलमे नवाब इन ख़ास अफराद के लिए जो उम्मत और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के दरमियान ग़ैबत सुग़रा में वास्ता थे, उनके लिए इस कलमे का इस्तेमाल मुआसिर दौर में बिलखसूस है। सफ़ीर का कलमा मुतअख़्खिर दौर में है और मुआसिर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अहले इल्म में फ़क़त। लेकिन नाइब का कलमा वह बिलखसूस आज के दौर में ज़्यादा इस्तेमाल है। तीसरा लफ्ज़ है बाब। ये कलमाए बाब ये हमारे यहाँ कुदमा की किताबों में नज़र आता है, चौथी पाँचवीं सदी हिजरी में जो किताबें लिखी गई हैं उसमें कलमाए बाब का तस्करा हमें मिल जाता है। यानी आप इसे अपने तौर पे एक नौ दरबान कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुराद क्या है, वही कि जो इमाम वक्त के उमूर को उनकी तरफ से अंजाम लोगों के दरमियान देता है। लिहाजा ये इस्तलाहात का जानना इस एतबार से हमारे लिए बहुत मुहिम है कि एक कलिमा कब और कैसे राइज हुआ। जैसे शहीद सदर रहमतुल्लाह ने जो हलके उला लिखी तो उसमें ये बहस की कि कलमा इश्तहाद अपने मनफी माना से मुस्बत माना में कैसे आया, किस दौर में आया। इसी तरह यहाँ पे ये हमें याद रखना चाहिए, कोई अब ढूंढने बैठ जाए कि नायब इमाम ज़मान, वो कहे कि नायब तो कहीं नहीं लिखा, आप कहाँ से ले आए नायब। सकेंगे इस्तलाहात माशरों के साथ वजूद में आती हैं, ये देखो उस इस्तलाह का माना क्या है, फिर ये माना अगर पहले मौजूद है या नहीं, मुमकिन है किसी और लफ्ज़ के साथ मौजूद हो, जैसे कलमे सफ़ीर के साथ मौजूद है, या अभी हम जो रवायत पढ़ रहे हैं कलमे खासे शिया के साथ मौजूद है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की रवायात में असल में कलमे खासतो शियात ही आया है, और नाइब के नाम से भी इशारतन आया है, वकील का कलमा बिलखसूस इस्तेमाल हुआ है। यानी माना के तौर पे ये चीज़ मौजूद है, उसको फिर एक इस्तलाह की सूरत में ढाल दिया। कलमा वकला ये भी हमारे यहाँ कुदमा में भी राइज था और मुआसिर दौर में भी राइज है। नतीजा हमारे पास ये निकलता है, ये चार कलिमात हैं, ये चार कलिमात एक इस्तलाह बन गए फ़ज़ाए तशय्यो में, या माहौल जो मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम के शियों के दरमियान राइज हो गई ये कलिमात, और ये कलिमात आगाज़ हुए हैं ग़ैबत कुबरा से। तकरीबन रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ रजू करें तो हम इन कलिमात को अदा करके जो माना लेते हैं, ये माना बेआईनी ही रवायात में मौजूद हैं। ये हमारी पहली बहस यहाँ पे ख़त्म हुई, जो इन कलिमात का तारुफ था, क्योंकि इन कलिमात के तारुफ से बहुत सारे मसाइल हमारे लिए हल होते हैं। हम आ जाते हैं इससे अगले मरहले पे।
सवाल, अगर एक बंदा सफीर हो या एक बंदा वकील हो या नायब हो या बाब हो, ये उसकी वसाकत के ऊपर और उसकी अदालत और बुलंद मंजिलत पे दलालत करेगा या नहीं करेगा? बिला शक व शुबा करेगा, क्योंकि दीन लेने के लिए आप हर एक की तरफ रुजू नहीं कर सकते, और दीन लेने के एतबार से उसे उम्मत के दरमियान मुतारिफ कराने के कराना आइमा अहले बैत अलैहिम सलाम का ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। लिहाजा ये कलिमात बिला शक व शुबा एक मंजिलत को भी बयान करते हैं। नंबर दो, उस शख्स की एक अजमत और वसाकत और अदालत को भी बयान करते हैं। नंबर, अब ये पहला हमारे पास इन कलिमात का तारुफ होने के बाद दूसरा पॉइंट ये था कि आया ये वसाकत के ऊपर या बुलंद मकाम के ऊपर दलालत करते हैं या नहीं। तो बिला शक व शुबा ये बुलंद मकाम के ऊपर दलालत करते हैं कि जिस दीन इलाही को लोगों तक पहुँचाने के लिए अल्लाह सुबहान तआला ने मासूम हस्तियों का इंतखाब किया, वो मासूम हस्तियाँ इसी दीन को फैलाने के लिए जिस शख्स के ऊपर एतमाद कर रही हैं, ये उसकी अजमत के ऊपर बिला शक व शुबा दलालत करती हैं। तीसरा नुक्ता इसी ज़िम्न में आया, जब वकील बनाया जाता है तो वो तमाम उमूर में वकील होता है या तमाम उमूर में सफ़ीर होता है, यानी उसकी हदबंदी की जाएगी, या ये कि अगर मुतलक करार दिए तो मुतलक तमाम उमूर में ले, अगर मुतलक करार नहीं दिया तो जितनी हदबंदी की गई है उसी हदबंदी के दायरे में उसकी हम वकालत या सफारत को कबूल करेंगे। ये तीसरा मतलब हमारे लिए अहमियत का हामिल बन जाता है, क्योंकि सारे के सारे सफ़ीर, सारे के सारे नायब, सारे के सारे वकील ये एक तरह से नहीं थे। इसके ऊपर उलमे रिजाल ने बहस की है, मसलन इमाम मासूम ने एक बंदे को वकील ख़रीदारी के उमूर के लिए भेजा है, क्या ख़रीदारी करने के लिए अदालत का होना ज़रूरी है या वो जाए और ख़रीदारी कर लाए, या ये हमारे लिए साबित हो कि नहीं पहले आदिल है, आदिल होने के बाद हम उसे ख़रीदारी के लिए भेजते हैं, क्या आपको इस दुनिया के अंदर ज़्यादा नज़र आता है? ख़रीदारी के उमूर के लिए आया हम पहले बंदे के आदिल होने को हम देखते हैं, या इतना एतमाद हो कि यार ये मसलन खयानत नहीं करेगा, करप्शन नहीं करेगा, मुमकिन है दाढ़ी उसकी ना हो, मुमकिन है गाने फिल्में सुनता देखता हो, ज़ुबान का बहुत ना हो, हल्का हो, ऐसा होता है या नहीं? इसका ये मतलब हुआ अगर आपने फ़क़त ख़रीदारी के उमूर के लिए किसी को सफ़ीर या वकील या नायब बनाना है, उसके लिए अदालत का होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए उलमा रिजाल ने ये तसरीह की है कि अगर आइमाए अहले बैत अलैहिम सलाम फ़क़त अमवाल पहुँचाने के लिए किसी को वकील बनाते हैं तो उसका वकील होना या सफ़ीर या नायब होना वो उसकी अदालत और वसाकत की ऊपर दलालत नहीं करता। अच्छा, क्योंकि आइमाए अहले बैत अलैहिम सलाम मुख्तलिफ उमूर में वकील बनाया करते थे, किसी के ख़रीदारी के लिए बाज़ूकात भेज देते थे, खुद्दाम होते थे उनके घर में, किसी को कोई पैगाम पहुंचाने के लिए, मसलन ये अपने घरेलू उमूर के पैगाम पहुंचाने के लिए आया, अदालत चाहिए या सिर्फ इतना होना ज़रूरी है कि ये बंदा अमानतदारी के साथ पैगाम पहुंचा दे, लिहाजा उसका पैगाम अपने ख़ानदान के अंदर पैगाम पहुंचाना या एक चीज़ को दूसरी जगह तक पहुंचाना पकड़ के, मसलन घोड़ा छोड़ा हो, या उस दौर के अगर हम वसाइल ज़िंदगी को मुलाहिजा करें कि ये इतनी बोरी गंदम जो है पहुँचाओ, उसके लिए वसाकत और अदालत शर्त नहीं है, एक नो इत्मीनान और एक नो भरोसा चाहिए कि वो ये अमल अंजाम देगा। तो इन उमूर की ये जो बाज़ उमूर हैं जिनसे अदालत और वसाकत साबित नहीं होती अमूमन माशरे के अंदर, उसमें अगर वकील बनाया जाए या उसमें नायब या सफ़ीर बनाया जाए तो वो उसकी बुलंद अजमत की दलालत नहीं बनेगी, इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से बुलंद अजमत की दलालत नहीं बनेगी। हत्ता कि अगर ख़त पहुंचाना है, क्या डाकिया का आदिल होना ज़रूरी है? जो ये हो कि यहाँ जो जॉब उसके ज़िम्मे लगाई है या जो उसको काम लगाया वो उसे अंजाम दे देगा। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी यही मसला है कि रसूलुल्लाह ने ख़त लिखा और कहा कि इसे पहुंचा दो। हाँ, अगर उस दौर में ख़यानत का बहुत ज़्यादा चांस था और इंतहाई ख़तरा था और जान जाने का अंदेशा था, अगर ये सब कराइन मौजूद हों तो बिला शक व शुबा फिर
फिर इंतखाब जब एक शख्स का किया जाएगा तो इन कराइन की मौजूदगी में हमारे पास क्या आएगा कि हाँ ये वकालत और सफारत उसकी बुलंद अजमत के ऊपर दलालत करती है। लेकिन इधर आप एक मतलब समझ गए कि जब भी अगर किसी को कहा जाए ये वकील है, ये सफ़ीर है, ये नायब है, ये बाब है, तो फौरन उसकी अजमत हमारे लिए उजागर नहीं होगी। हम देखेंगे कि किन उमूर में है ये, उन उमूर से अंदाज़ा होगा। बाज़ का ऐसा भी हो सकता है सब उमूर में, अगर सब उमूर में हो तो बिला शक शुबा बहुत अजीम मंजिलत का मालिक है, लेकिन अगर बाज़ उमूर में है तो उन बाज़ उमूर का तायुन किया जाएगा। मतलब एक शख्स है वो टाइपिंग में है वकील, या मेरी तरफ से वो सारी चीज़ें लिखता है, तो टाइपिंग में वकील खाली होना वो अदालत को नहीं बयान करता, उसके पास एक हुनर है, उस हुनर के मुताबिक उसने अमल अंजाम दिया। तो आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम के दौर में भी इसी तरह से दो हमारे पास तकसीमें आ जाती हैं, नायब वकील या बाब या सफ़ीर के नवान से। एक है मुतलक, अगर मुतलक हो तो बिला शक व शुबा वो उसकी बुलंद अजमत के ऊपर दलालत करता है। दूसरा है मुतलक नहीं, बाज़ उमूर में, बाज़ उमूर में अगर हसास उमूर हमारे पास मौजूद हैं। हसास उमूर कैसे, मतलब दीन किसी से लेना वो आया छोटा अमर है, दीन बिलखसूस दीन लेना, आपने किसी के पास जाके दीन लेना है कि यार तुम मुझे बताओ कि इमाम मासूम ने क्या फरमाया या दीन इलाही इस मसले में क्या है, और आपको नहीं पता, ये पता नहीं सच बोलता है या नहीं, अहले इल्म भी है या नहीं, आप उससे दीन लेंगे। लिहाजा दीन लेना अगर दलालत कर रहा हो, इमाम किसी से कहें कि ये मेरी तरफ से जो बयान करे वो मेरा कौल है, ये उसकी अजमत के ऊपर दलालत करता है। यह तो हर एक को नहीं इंसान दे सकता, जिसके ऊपर इंतहाई एतमाद हो और इंतहाई वसाकत उजागर हो उसके लिए बस इमाम मासूम ये करार दे सकते हैं। बस आपने ये देखा कि इसका ये मतलब है आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम हर दौर में वो लोगों तक रसाई हासिल करते थे, इन्हीं सुफारा और नायबीन तक। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुँचाने मुस्लिम बिन अकील गए, अब उधर पैगाम पहुँचाना एक तो बड़ा सिर्री और राजदार पैगाम था, नंबर दो जान ख़तरे में थी कि पता नहीं अंजाम देता है या नहीं। अच्छा इसी तरीके से नंबर तीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चूँकि हालत क़याम में हैं और हालत क़याम में आम अफराद को नहीं भेजा जा सकता, ख़ुसूसी इंतखाब है उनका, यहाँ पे मुस्लिम बिन अकील की शख्सियत सामने आ जाती है। वहीला आम हालात में आपने शादी का पैगाम किसी के हाथ किसी के घर पर भिजवाना है तो आप उसकी अदालत और वसाकत तो नहीं वहाँ पर चेक करेंगे। इसलिए आपने देखा कि बाज़ुकत कराइन होते हैं, उन कराइन की वजह से उसकी अजमत पता लग जाती हैं। ये बात इसलिए आपकी खिदमत में ज़िक्र की जा रही है कि आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम से जो रवायत हमारे पास आई है और सही सनद रवायत है उसमें कलिमा आया इल्ला खासतो शियात ही, इधर ख़ास शिया मुराद है, तायुन नहीं है कि कौन शिया है, वो शिया कौन है इसका नहीं बयान, लेकिन ख़ास शिया से यकीनन वो बंदा मुराद है कि इमाम अलैहिस्सलाम दीनी अमूर में जिसको काबिल एतमाद करार देते हैं और लोगों को कहते हैं इसकी तरफ रुजू करो, या इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने उम्मत के दरमियान जिन अमूर को अंजाम देना है, जिन अमूर को इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने उम्मत के अंदर इमामत के बाब से अंजाम देना है, उन इमामत के बाब से ये अमूर किसी शख्स के सुपुर्द कर दें कि वो इमाम के कायम मकाम बन के इन अमूर को अंजाम दे, ये यकीनन बहुत बड़ा एक मनसब है, छोटा मनसब नहीं है। तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने गैबत सुगरा में इसी तरीके से वकला को नस्ब किया, वकला को वहाँ पर मुकर्रर किया। ये हमारे पास नायबीन का फिर एक सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन अगर हम नायबीन के इस हिकमत ये जो आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने सुफरा वकला नायबीन के इनवान से करार दी थी, इस हिकमत को अगर हम ना जाने हमारे लिए इन शख्सियात का कोई ज़्यादा मारिफत हमें हासिल नहीं हो पाएगी। लिहाजा इसको बड़ी दिक्कत से हमें जानना चाहिए कि सिलसिला नियाबत क्या था और निज़ाम इमामत नियाबत के साथ कैसे चलता था। हर दौर में नायब रहे हैं, हर दौर में वकील रहे हैं, वकील भी मुख्तलिफ उमूर में होते थे, नायब भी मुख्तलिफ उमूर में होते थे, और एक नियाबत थी दीनी उमूर में, हिदायत की उमूर में, लोगों की इस्लाह के उमूर में, लोगों के ऊपर हाकमियत के उमूर में, लोगों के अंदर फतवा देने के एतबार से
नियाबत थी। ये नियाबत खसूसी नियाबत है, इसके अंदर हर बंदे पे एतमाद नहीं किया जा सकता, इसके लिए शराइत चाहिए, अहले इल्म हो, इल्म का मंबा भी अहले बैत अलैहिस्सलाम हो, अदालत आला दर्जे की हो, दीन उसके लिए बिकने की चीज़ ना हो, वो दीन के लिए हर चीज़ कुर्बान कर देने वाला हो, ऐसे अफराद की तरफ इमाम कहते थे कि तुम रुजू करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके आज तक दीन जो नशर हो रहा है उसका सिलसिला यही है कि मरकज़ी एक शख्सियत होगी, वो मरकज़ी शख्सियत मुख्तलिफ इलाकों में और महल्लों में रहने वाले अफराद के दरमियान अपनी तरफ से एक नुमाइंदा मुकर्रर करेगी। इस नुमाइंदे को आप वकील कह दें, नायब कह दें, सफ़ीर कह दें, बाप कह दें, या आपके ऊपर मुनहसर, आप कल में नुमाइंदा कह दें। ये नुमाइंदा, हाँ अगर ये नुमाइंदा हो फ़कत और फ़कत कुछ सामान मुंतकिल करने के लिए, मुमकिन है कि कोई बहुत बड़ी अदालत और वसाकत नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये नुमाइंदा हो कि जिसने फतावा ज़िक्र करने हैं, जिसने दीन ज़िक्र करना है, तो यकीनन उसमें ये शरायत होनी चाहिए। अमानतदारी की शरायत है, एतमाद की शरायत है, अहले इल्म होने की शरायत है, अहले तक्वा व ज़ुहद होने की शर्त है। ये शरायत होंगी तो वो नुमाइंदा बनेगा। और आज भी आप देख रहे हैं कि ये सिलसिला इसी तरीके से है। हत्ता मुफज़ल बिन उमर के जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बाप या नायब थे, उन्होंने बाज़ उमूर में नायब थे और दीनी ही उमूर में थे, इन दीनी उमूर में उन्होंने अपना बाप एक अलग से रखा हुआ था। शख्स मुफज़ल बिन उमर ने आगे से एक और बाप रखा हुआ था या एक नुमाइंदा रखा हुआ था, वो लोगों के दरमियान जाता था। तो ये सिलसिला बाद में फिर कवी हो गया। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की जो गैबत सुगरा का कसीर मुद्दत दौर है, महदूद मुद्दत दौर है, उसमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद मुअय्यन अफराद किए कि ये मेरा नुमाइंदा है उम्मत के दरमियान। इसको सफ़ीर कहें, आप वकील कहें, नायब कहें, बाप कहें, कुछ भी कह सकते हैं, ये मेरा नुमाइंदा है और उम्मत इस नुमाइंदे से दीन के लिए रुजू करे। ये जो दीन के इनवान से कह दें वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का हुक्म है। और लोगों ने जो कुछ इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक पहुँचाना है वो इस नुमाइंदे तक पहुँचाएं, ये नुमाइंदा इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक पहुँचा देगा। इस माना को फिर इस्तलाह में ढाल दिया गया और कहा जाने लगा कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की गैबत सुगरा में चार नायबीन हुआ करते थे या चार वकलाए ख़ास हुआ करते थे, और जब गैबत सुगरा ख़त्म हुई तो गैबत कुबरा में नियाबत उमूमी हो गई और मुतलक नियाबत थी, तमाम उमूर में नियाबत, इमामत के तमाम, फ़कत फतवा के शोबे में नहीं थी, फ़कत अमवाल लेने के शोबे में नहीं थी, लोगों की इसलाह और इसलाह माशरा के शोबे में भी थी, क्योंकि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के कायम मकाम है ये शख्स, और कायम मकाम होते हुए जो इमामत के उमूर हैं वो इसके ज़िम्मे हैं कि इसने अंजाम देने हैं। ये तफक्कुर जब था तो उस दौर में चूँकि कुदरत इतनी हासिल नहीं थी, इसलिए माशरे के अंदर अदालतों का बरपा करना, हदूद नाफिज करना और मालियात का सिलसिला मुकर्रर करना ये आसान नहीं था, तो इसलिए वो फतवा ही दे पाते थे, तो उन्होंने फतवा फ़कत देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे एक थोड़ा इन्हितात आया, 700-800 साल इसी में गुजर गए और वो ये समझने लगे कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जो कायम मकाम है बाइनवान नायब, अब उसकी ज़िम्मेदारी तो ये थी कि वो मुतलक नियाबत रखता है, यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने उम्मत के दरमियान इमामत के जिन उमूर को अंजाम देना है उसी के उन उमूर को हद वसअत इस्तताअत के मुताबिक इस नायब ने भी अंजाम देना है, लेकिन वो फतवा ही बस जारी हो गया। तो फिर आगे बहस हो गई, आया नियाबत जो है वो फतवा देने में है या जो उमूर इमामत से मरबूत उम्मत के दरमियान थे, इस्लाह मुआशरा है, दीन को नाफिज़ करना है, ज़ुल्म सितम ख़त्म करने की कोशिश, अदल इंसाफ़ की कोशिश, आया ये भी ज़िम्मेदारी है, ये ज़िम्मेदारी फस ये बहस है, फिर विलायत फ़कीह की आभास में तब्दील होगी। विलायत फ़कीह का क्या मतलब है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के नियाबत में यानी उनके कायम मकाम रहते हुए उमूर इमामत को अपनी वसत के मुताबिक, अपनी तवान और इस्तताअत के मुताबिक अंजाम देना और इस्लाह मुआशरा करना। बस फतवा से फिर आगे बढ़ के अब अपनी जगह पे फिर आ गया मतलब। पहले मतलब क्या था, क्योंकि आया नवाब अरबा मुतलक थे या नहीं थे, आप इंशाल्लाह अभी हम मुतालिया करेंगे, उसमें कलिमात हैं, वो एक इतलाक़ उसमें उनकी नियाबत में पाया जाता था। फिर गैबत कुबरा में जो नियाबत का सिलसिला है
और उसमें जो नुसूस हमारे पास आई है उसमें इतलाक़ मौजूद है या नहीं, इतलाक़ हमें दिखाई देता है। अलबत्त उस पर फिर अंदर बहसें आ जाती हैं। ये नज़रिया, इसको कहते हैं नज़रिया सफारत व नज़रिया नियाबत। नज़रिया सफारत व नियाबत की वजह से तकलीद का फिर एक इस्तिलाह हमारे यहाँ शुरू होगी। तकलीद यानी नुमाइंदे की तरफ इसलिए रुजू करना ताकि ये इमाम की तरफ से लिया हुआ दीन बयान कर दे। इसको इस्तेमारी साजिशों ने बिगाड़ के कैसे पेश किया, उन्होंने कहा तकलीद का मतलब होता है इमाम को छोड़ के फकीह की बात मानना। मुलाहिज़ा करेंगे शैतान जहन किस तरह से काम करते हैं। असल मतलब ये था कि इमाम से लिए हुए दीन को लोगों तक पहुंचाना और लोग इस दीन को जो इमाम आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम से लिया गया है उसको इस आलिम फाजिल आदिल और पाक और जाहिद शख्सियत से ले लें, ये तकलीद का मतलब है। लेकिन उसको बिगाड़ कैसे दिया उन्होंने, उन्होंने बिगाड़ा और एक जुमले में बिगाड़ा ताकि लोगों के जहनों में बैठ जाएँ। और ये जुमला अब गाँव-गाँव जहनों में डाला जा रहा है। अभी तो बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान में खड़े हैं और वो जुमला ये है कि तकलीद का मतलब है इमाम को छोड़ के फकीह का हुक्म मानना। वो कहता है हम तो इमाम का हुक्म मानते हैं, यानी आपने कहा टकरा दिया। यानी उस्मान बिन सईद अमरी अगर उस दौर में मौजूद हैं तो ये प्रोपेगेंडा किया जाए कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम को छोड़ के उस्मान बिन सईद की पैरवी शुरू कर दो। या इमाम अली अलैहिस्सलाम अगर मौजूद हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब तो कहें कि देखो रसूल को छोड़ के इन्होंने अली की पैरवी शुरू कर दी। ये शुबा आज के दौर में ईजाद किया गया। ये आपके सामने सफारत का एक माना था, नियाबत का माना था और इसमें हमने मुलाहिजा किया कि नायब का मतलब क्या है, सफ़ीर का मतलब क्या है। नंबर दो हमने तकसीम पढ़ी कि मुतलक नियाबत वकालत है या बाज़ उमूर में है। और फिर हमने पढ़ा आया ये अज़मत की ऊपर दलालत करता है या नहीं। अगर वकालत हसास उमूर में है बिलाशक शुबा यह दलालत करता है और अक्सर उलमा रिजाली इसी के कायल भी हैं। और अगर बाज़ ऐसी चीज़ें जिनके लिए अमूमन माशरे में हम देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है तो वहाँ पे आप एक शुबा इजाद कर सकते हैं या शक कर सकते हैं और ये शक मौजूद है। बाज़ शिया उलमा कहते नहीं, उनमें भी वकील उसकी अदालत का सबब होगा, लेकिन बाज़ कहते हैं कि नहीं। आखिरी इसमें सिर्फ मतलब जो कि इशारा करना मकसूद है कि नियाबत अगर मुतलकन हो बिलखसूस या हसास उमूर में हो, जैसे दीनी उमूर में नियाबत, अमवाल के हिफाजत के अतबार से नियाबत, तो क्या ये नियाबत इसका कोई झूठा दावा कर सकता है या नहीं। मसा आज के दौर में झूठा इश्तहाद का दावा हो सकता है या नहीं। जो भी झूठा इश्तहाद का दावा करेगा वो अपने आप को नायब की कुर्सी पे रख रहा है कि दीन लेने में मुझसे तुम रुजू करो। ये जो मरजियत के झूठे दावे हैं तो बिला शक व शुबा झूठे दावे हर दौर में मौजूद थे, आज के दौर में भी मौजूद हैं और आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम के दौर में भी मौजूद थे। और इसी के ज़िम्न में ये नुक्ता भी कि इमाम ने किसी को वकील मुकर्रर किया हो, वो साले इंसान हो, उसके ऊपर हवाए नफ्स तारी हो जाए, हिर्स से दुनिया हरी से दुनिया बन जाए, शहवात उसके ऊपर तारी हो जाए, फासिद नज़रियात उसका शिकार हो जाए, ऐसा हो सकता है या नहीं। हो सकता है। बस इसका नतीजा क्या निकला कि झूठे दावेदारों को हमें मुआयन करना चाहिए। इसलिए शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये चैप्टर कायम किया तो वो सुफरा जो मज़मूम हैं उनका पूरा चैप्टर बनाया और उनके नाम लिखे और बताया कि इसने भी गैबत सुगरा में इमाम महदी अलैहिस्सलाम की नियाबत का और सफारत और वकालत का झूठा दावा किया, इसने भी झूठा दावा किया, फ़लाँ ने भी झूठा दावा किया। ये उस्मान बिन सईद अमरी के मुकाबले में खड़े होते थे। बस झूठे दावेदारों को पहचानना आज भी ज़रूरी है, सिर्फ उस दौर में नहीं, आज भी झूठे मर्जे तकलीद को जानना ज़रूरी है। पाकिस्तान में अभी दो तीन और उभर आए हैं, पहले तो एक का दुक्का थे, अब लिस्टें उधर भी बढ़ रही हैं। और फोटोकॉपी है तो जिल मसाइल, वो पहला सफ़ा काट देते हैं और अपने नाम का सफ़ा लगा देते हैं, बकिया फतावे आगे हैं। या जहाँ पर एहतियात मुस्तहब है आप कह दें कि नहीं मुस्तहब है फ़कत कलमा एहतियात, वो अब ये इश्तहाद हो गया। जहाँ पे एहतियात वाजिब है आप कह दें नहीं मेरी नज़र में यहाँ पे एहतियात वाजिब नहीं है। तो इस तरह से तो तोजी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो खुलासे कलाम झूठे दावे आज भी मौजूद है और मुस्तकबिल में भी ये पेश आएंगे हमें, लिहाजा हमें इधर निगाह रखनी चाहिए। दूसरी चीज़
गुमराह हो सकते हैं अफराद। लिहाजा हमारे तमाम अफराद से जो ताल्लुक़ है वो मशरू ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ है जब तक वो हिदायत के ऊपर है, जब तक कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के तरीक़ के ऊपर है ठीक कबूल है, और जब हट जाए तब वो कबूल नहीं। इसलिए आइमा अलैहिस्सलाम के दौर में कई ऐसे अफराद थे माल दुनिया, जैसे अली इब्न अबी हमज़ा बताइनी, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दौर में खुम्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी इसकी थी, तो बाज़ ने इस ज़िम्मेदारी की बुनियाद पे उसको सिका भी करार दिया है, और बाज़ ने एतराज़ किया, कहते हैं बैंकों में भी आप पैसा रखवाते हैं तो वो आदिल होते हैं जिसके पास पैसा रखवाते हैं, ये सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि ये पैसे में ख़यानत नहीं करेगा। कहते हैं इस अली बिन हमज़ा बताइनी कि पहले भी वसाकत साबित नहीं होती, लेकिन बाज़ अक्सर कहते हैं कि खुम्स के अमवाल हर एक को नहीं दे सकते, और इमाम आम चीज़ नहीं है कि किसी को फ़ौरन मुकर्रर कर दें। तो अली बिन हमज़ा बताइनी के पास कसीर अमवाल थे इमाम मूसा काज़िम के। जब इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम शहीद हो गए तो अब उसने पहुँचाने थे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तक, तो यहाँ पर हिर्स दुनिया लाहिक हो गई और उसने महदवियत का दावा कर लिया इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के, और नावूसी वाकफिया फ़िरके की बुनियाद रखी और कहा कि वक्फ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ऊपर ये सिलसिला आके रुक गया है और वक्फ हो गया है, इससे आगे नहीं चलेगा। तो ये हमारे पास खुलासा आया कि हमने वकला पे ये भी निगाह रखनी है पढ़ते हुए, क्योंकि अभी हम ख़ासत शीआत ही पढ़ेंगे जो गैबत सुगरा में हैं, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम गैबत सुगरा में जो ख़ास शिया उनको इसी शर के ज़ैल में पढ़ रहे हैं, उसमें हमने इन दो अमूर को देखना है। नंबर एक कि ये झूठा दावेदार तो नहीं है कहीं, नंबर दो ये शख्स अपने ज़िंदगी में कहीं डगमगा तो नहीं गया। ये दो अमूर हट जाएँ तो फिर उसकी ताब मौत अगर अमानतदारी साबित होती है तो वह एक बहुत बुलंद अजीम मकाम का हामिल है। इंशाल्लाह अगले दर्स में हम जनाब उस्मान बिन सईद अमरी से शुरू करेंगे और उनके हालात ज़िंदगी को मुलाहिज़ा करेंगे। सल्लल्लाहु अला सैयदिना मुहम्मद व अलैहि ताहिरीन।